अच्छा ये बताओ मेरे को मिलके कैसा लगा? अरे फाइनली बैंगलोर पहुंच गए, फ्लाइट टाइम पे 10 मिनट ऊपर नीचे थी। क्या बोलते हैं? काफी मस्त है मुत्तली मुत्तली की बात से बनाता बोला। Amber Speed Sound Production Take 1। पैकिंग सारी हो चुकी है, अभी टाइम बजे 11 बज चुके हैं और डेट है 10। तो सुबह फ्लाइट है अपनी, तो ऑलरेडी जिनको पता है, जो फॉलो करते आ रहे हैं, उनको पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बैंगलोर। फिलहाल मैं सारी तैयारी वैरी करता हूँ, एयरपोर्ट तक पहुँचता हूँ। उससे पहले आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना आपको, आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। हाँ, बेल आइकन जरूर दबा के जाना चैनल के मोटिवेशन के लिए, ताकि जब अगली बार वीडियो आए ना तो आपको पता चल जाए कि ब्लॉग आ चुका है। सी यू एट द एयरपोर्ट। टैक्सी बुलाएंगे 3 बजे, 6 बजे का है मतलब बोर्डिंग, मतलब 6 बजे फ्लाइट निकलेगी, तो वही 4 बजे तक पहुँचना पड़ेगा। तो कोशिश करूँगा कि 3 बजे मैं टैक्सी बुला लूँ, क्योंकि बारिश और मुंबई के ट्रैफिक का आजकल कुछ पता नहीं चल रहा। सो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सपोर्ट, लव, पीस। जल्दी मिलते हैं एयरपोर्ट पे और थोड़ी बीच की कार्यवाही देखते हैं। ये अच्छा होगा कि मैं सिर्फ आधा एक घंटा लेटी हूँ, और तो जो पीछे हाल हो रहे हैं ना लोगों के, वो अपने साथ भी हो सकता था। कम से कम भी 4-5 लोगों की जो फ्लाइटें मिस, वो लोग चिल्ला रहे हैं बेचारे कब से। फ्लाइट वाले बोल रहे हैं फ्लाइट तो जा चुकी है और काउंटर क्लोज हो चुके हैं, इसलिए बोला जाता है ना कि टाइम पर आना पड़ता है, टाइम पर आना पड़ता है। तो भाई जिस तरह का आज हुआ ना एक्सपीरियंस, इट वाज डिफरेंट। मतलब एक तो 2 घंटा ऑलरेडी मैं लेट था, एंड उसके बाद गिम्बल और ड्रोन के चक्कर में उन्होंने बोला कि ड्रोन है, मैंने कहा हाँ है, बट उन्होंने खुद में बाद में बताया कि ड्रोन डोमेस्टिक में लेके जाना, मतलब कहीं पे फ्लाइट में जाना इज लीगल, यू जस्ट हैव टू रिमूव द बैटरी फ्रॉम द ड्रोन एंड वो लगेज बैग में डालना होता है। 6:10 की फ़्लाइट है, 5:50 हो चुके हैं, फटाफट सी। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, कप्तान निरंजना कमांड में है, हम 1000 किलोमीटर बैंगलोर। एंजॉय योर फ्लाइट, द कैबिन लाइट्स विल डिम फॉर योर कंफर्ट शॉर्टली। फाइनली बैंगलोर पहुंच गए हैं, फ्लाइट टाइम पे 10 मिनट ऊपर नीचे थी, बिकॉज नीचे हॉल्ट लेने के लिए मैंने मतलब टैक्सी हो रहा था ऊपर। तो अभी बस अपनी टैक्सी आ चुकी है, तो सीधा हम लोग निकलेंगे HSR लेआउट ठाकुर के घर पे, फिर उसके बाद आपको बाकी प्रोग्राम बताया जाएगा। अभी 1-2 दिन आराम किए जाएंगे, फिर उसके बाद सारी कार्रवाई शुरू की जाएगी। वेलकम टू बैंगलोर, सिटी ऑफ लैम्बोर्गिनी। गाइस फाइनली बैंगलोर। अब्दुल भाई थैंक यू फॉर द टैक्सी, और रियान भाई लेने आए थे हमें, थैंक यू रियान भाई। तो अभी यहाँ से हमें एज यूजुअल वी ऑल नो कि बैंगलोर से एयरपोर्ट से सिटी तक जाने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, टू आवर्स आराम से लगेगा। तो अभी आराम से बैठ के जर्नी इन्जॉय करते हैं। पहले भी आप मेरे व्लॉग्स में देख चुके हो बैंगलोर फ्रॉम एयरपोर्ट टू सिटी, तो अभी मैं करता हूँ आराम,
फिर आपको सीधा मिलते हैं HSR लेआउट, सी यू इन अ वाइल। मैं फ़्लाइट में बता नहीं पा रहा था कि एक्चुअली हुआ क्या था। हुआ ये था कि जनरली लोग लेट आते, मतलब जल्दी आते हैं, पर आज कोइंसिडेंटली सारे लोग ही लेट थे। जितने भी लोगों की फ़्लाइट थी, दिल्ली, पटना, कोची, चेन्नई, इवन चेन्नई वालों की तो इतनी फ़्लाइट मिस हुई बेचारों की, मतलब मेरे सामने ही कम से कम भी 7-8 लोगों को वापस भेज दिया एयर इंडिया ने कि आप लोग लेट आए हो सर, आपने कमांड नहीं सुनी, आपको कब से बुलाते रहे। तो मेरे साथ भी पहली बार हुआ कि मैं एयरपोर्ट इतना लेट पहुँचा हूँ। यार ऑटोमेटिकली बात है, मतलब कि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 8-9 बजे मैं पहुँचा हूँ वहाँ पे लोनावला से वापस, घर आके सो गया हूँ, पैकिंग की थी, फिर भी एक माइंड था कि यार कुछ रह ना जाए, और सुबह 6 बजे की फ़्लाइट, तो इसके लिए 3 बजे उठना था, फिर भी जैसे तैसे हो गया। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम था यार, ये वो स्कैन नहीं चल रहा था मेरा बार बार जो गेट्स क्रॉस करने होते हैं एयरपोर्ट के अंदर। और एक और चीज़ की कंफर्मेशन मेरे को आज बताई, मतलब पुलिस वालों ने, कि ड्रोन जो है वो डोमेस्टिक फ़्लाइट में, इंटरनेशनल फ़्लाइट में हर जगह अलाउड है। सिर्फ आपको ड्रोन की जो है बैटरी निकाल के अपने पास रखनी है, ड्रोन जो है वो आपका लगेज कंपार्टमेंट में जाएगा, ना कि कैबिन में। तो ठीक है, तो थोड़े डाउट्स क्लियर करने होने चाहिए ताकि सब कुछ नया नया पता चलता रहे। ओके, A few moments later. कॉफी लेके आए? कॉफी के बीन ढूंढते-ढूंढते आ गया तुम। सूखते सूखते। सूखते सूखते। क्या हाल चाल? हैप्पी रक्षाबंधन। सेव टू यू। अच्छा ये बताओ मेरे को मिलके कैसा लगा? अरे पूरा भाया है मेरे, सब्सक्राइब करे सर भाई को। अरे ये बताओ मेरे को मिलके कैसा लगा? अरे भाई बहुत खुशी हुई भाई, मैं तो चाहता हूँ कि भाई हर हफ्ते आए, पूरा वीकेंड बैंगलोर में सेलिब्रेट करे। इतनी खुशी मुंह खुला के खुला रह गया। कैसा लगा रक्षाबंधन का तोहफा? बहुत अच्छा है भाई, चश्मा ही बहुत भारी है, एक नंबर। अभी दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ, मिला मुला ही नहीं, अभी दिखा रहा हूँ। थैंक यू जतिन भाई, टू मी आई विल गिव इट। ये स्मार्ट लग रहा है या किराक एकदम। तो गाइस अभी आते कहाँ जाएंगे नाश्ता करने? मुताली मुट क्या और दोस्त रक्षाबंधन मुबारक हो तुम सबको भी। आ जाओ भाई, आ जाओ, हैप्पी फोटो ले लो। अरे वो थंबनेल डालना पड़ता ना, गाड़ी की चाबी मुत्तल की बात है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं नाश्ता कर, बैंगलोर की कहानी है वो, सुबह सुबह बढ़िया कन्नड़ स्टाइल, कन्नड़ स्टाइल नाश्ते से होगी। तो स्नेह के थोड़े ऑफिस के कॉल कूल चल रहे हैं, स्नेह काफ़ी बिजी है आजकल, बोले आरएम की पोस्ट इसको मिलने वाली है, आरएच की हमारी दे। लोग बड़े परेशान हो गए इतने अच्छे मौसम में भी यार। काफी मस्त है मुतली मुतली की बात से बनाता बोला। फ्लेवर बड़ा बढ़िया होता है मुतली की कॉफी का, जब तक हिलती नहीं कॉफी तब तक वो जानने नहीं देता। बोला मुतली, बोला इल्ली, बहुत इल्ली। अपना नाश्ता और लंच एक साथ ही हो गया भाई मुटाली में, जबरदस्त मुटाली में।
हो गया मुताली में, फेमस था भाई ये, फेमस है इडली सांभर डोसा और बड़ा तो बड़ा सक्सी था। कभी यहाँ पे आएंगे सर तो मुताली जरूर आना। यहाँ पे जो है दही बड़ा, दही बड़ा प्योर वेज, प्योर वेज। तो अभी घर चलेंगे आराम करेंगे, मेरे को आराम से बात करनी है, आराम से बात करनी है। जी बाहर का वेदर बहुत प्यारा है और हम लोग प्लानिंग में व्यस्त हैं कि हमें जो अगला प्लान सेट करना है वो कैसे करना है। तो बेंगलोर आ गए, सेटल हो गए अभी। नॉडी सब ठीक है? ऑल गुड। तो इस हाँ 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 मैं बात कर लूँ, ब्लॉग ख़त्म कर लूँ? तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड हिट द बेल आइकन फॉर चैनल मोटिवेशन। बाकी कल से तैयारियाँ शुरू हैं तो अभी दिमाग कन्फ्यूजन बहुत है, बहुत प्लान है। विल सी इट लेटर। बाय बाय, टेक केयर।